पूर्व विधायक रविंदर माचरोली ने आज संभालका हलके से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। इस अवसर पर उन्होंने हलके के लोगों के लिए 4 बसें हरिद्वार के लिए रवाना की। इसके अलावा मरीजों के लिए 2 एम्बुलेंस व 2 ट्रैक्टर पाने के लिए भी रवाना किए, जो हमेशा संभालका हलके के लोगों के लिए तैयार रहेंगे। इस अवसर पर रविंदर माचरोली ने संभालका हलके के सैकड़ों लोगों के साथ हवन यज्ञ किया, जिसमें हलके से काफ़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए रविंदर माचरोली ने कहा कि जब वे विधायक थे तो हलके में विकास कार्यों की लाइन लगी थी, जिससे संभालका हलके में कांग्रेस का विधायक बना है, जनता का कोई काम नहीं हुआ और हलके में एक भी विकास कार्य पूरा नहीं करवाया गया। जो भी विकास कार्य किए गए हैं वे मेरे द्वारा ही करवाए गए थे। अब संभालका की जनता मौजूदा विधायक से उब चुकी है और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है और जैसे ही वह विधायक बनेंगे संभालका हलके में फिर से विकास कार्यों की लहर दौड़ पड़ेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक रविंदर माचरोली ने कहा कि उनके विधायक रहते हुए हलके में कोई पार्टीबाजी नहीं हुई है और हलके का चहुमुखी विकास भी करवाया गया है। अब जनता की डिमांड पर उन्होंने संभालका हलके से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है और जनता के आशीर्वाद से वह दोबारा विधायक बनकर लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज एक छोटे से बुलावे पर हजारों की संख्या में संभालका के हलके से महिला व पुरुषों का तांता लग गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय रविंदर माचरोली का होगा और विधायक बनकर लोगों की समस्या सुनेंगे और उनका समाधान भी करवाएंगे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के लिए 4 बसें और 2 एम्बुलेंस, मरीजों के लिए व पानी के लिए 2 ट्रैक्टरों का इंतजाम किया गया है। वह विधायक बनने के लिए यह कार्य नहीं कर रहे, बल्कि उनके मन में लोगों की सेवा करने का परम कर्तव्य है और वह हमेशा हलके के लोगों की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। ताकि सेवा के लिए चालू की है, क्योंकि हरिद्वार जाने के लिए बहुत ऐसे परिवार भी थे जो बेचारे ने कभी गंगा मैया के दर्शन ही नहीं करे और वहाँ रहने की खाने की सभी व्यवस्था फ्री है। वहाँ अपना अपना जगह रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, किसी को कोई वो नहीं, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। बहुत अच्छी सुविधा के साथ चालू करी है, हर रोज बस हरिद्वार जा रही है। कब तक ये बस चलेंगे हरिद्वार तक? हर रोज चलेंगे। एम्बुलेंस भी इसके साथ साथ है, कोई बात है फोन करेगा, एम्बुलेंस से भी है, पानी के टैंकर भी हैं और गांव-गांव के अंदर मैं अपनी माताओं बहनों के लिए एक एक चूड़ियों का शोरूम जो फ्री सेवा में चूड़ियाँ बनाने का काम करेंगे मेरी माताएं बहनों को, वो भी मैंने कीड़ा उठाया। रविंद्र जी पीछे आप विधायक नहीं बने, विधायक बने बस सेवा थी खानपुर के लिए रवाना, वो विधायक बनते ही बंद हो गई। बस विधायक बनते ही बंद नहीं हो गई, मैंने हॉस्पिटल 100 बेड का संभालका के अंदर बनवाया, पानीपत के अंदर डबल हॉस्पिटल बना, उसके बाद फिर वहाँ क्या लेने जाए थी बसे यू बता दो जिस चीज के लिए जाए थे, हमारे 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया और पानीपत के अंदर डबल हॉस्पिटल बना दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ हॉस्पिटल डबल पानीपत का बनाया था, तो इसलिए फिर उनका फायदा क्या था। ये आप चिंता मत करना, रविंदर इतना जीवन है, रविंदर बस हरिद्वार के लिए रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार को छोड़ो, कोई भी भाई, कोई मेरी माता, कोई बहन, कोई मैं चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसने जहाँ जो भी तीर्थ स्थान पे जाना है उसी के लिए तैयार है ये बस। इच्छे लोग थोड़े नाराज थे विधायक बनने के बाद, उनके बीच में नहीं पहुँचे, तो इसको कैसे दूर कर पाओगे? क्यों नाराज हैं कुछ लोग? देखो नाराज तो अपना ही होता है और दूसरे नाराज होने की जरूरत ही नहीं है, और अपना नाराज होगा तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, उसके पैर पकड़ लो, गलती मान लो, नाराजगी खत्म हो जाएगी। हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो और ये आज आपने यहाँ देख भी लिया होगा, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम सोच के किया था, यहाँ तो कम से कम 20,000 आदमी आ गया हुआ। ये देखो ये नाराजगी का आपको मैंने, ये देखो ये मेरे को 2024 का चुनाव लड़ाने के लिए तो लोग यहाँ पहुँचे हैं आशीर्वाद देने के लिए। पार्टी से लेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, किस तरह से? देखो मैं तो जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा, ये जनता आशीर्वाद देगी, टिकट जनता की टिकट है, पार्टी से रूस से नहीं, मैं तो जनता की टिकट से आशीर्वाद दूंगा। तो जैसे गांव से, हाँ पहले भी जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज मेरे को ऐसा महसूस होया कि शायद पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद लोगों ने मेरे को आज आके दिया है,
तो इसलिए मेरे को बड़ी खुशी। ये बस की सेवा यहीं से प्रोवाइड होगी या गांव गांव जाएंगी? किस तरह जाएंगी? जिस भी गांव में हर रोज जिस गांव में 50 आदमी इकट्ठे होंगे वहीं बस भेजी जाएगी। एक गांव में नहीं होंगे, दो में से देखिए हर गांव गांव जाएंगे। इनके अंदर यहाँ से पानी की बोतलें देंगे पीने के लिए, रास्ते में आते में पानी पेशाब जहाँ करेंगे वहाँ चाय बिस्कुट देंगे, तो उसके बाद गंगा मैया पे स्नान करके आरती दिखाएंगे घंटे के लिए, फिर अपना माड़ा गंगा जल जो लेना है वो ले, उसके बाद इनसे चलाएंगे जो फोन आएगा वही भेजेंगे एम्बुलेंसों को, और गंगा मैया पे नहा के आरती दिखा के फिर अपनी जगह पर लेके जाएंगे, वहाँ सोने का रहने का खाने की व्यवस्था है, उसके बाद सवेरे चाय बिस्कुट कराएंगे, उसके बाद खाना तैयार होगा, इतना खाना खिला के एक बार फिर गंगा मैया के दर्शन कराएंगे, दर्शन करा के उसके बाद फिर ले आएंगे रास्ते में फिर चाय बिस्कुट और पानी पेशाब होगा, उसके बाद नहीं ये जो भी जहाँ जाना चाहते हैं कोई भी इंडिया के अंदर कहीं भी जाओ ऑल इंडिया परमिट है, जो जहाँ जाना चाह रहा हूँ। रविंद्र जी, जैसे जीटी रोड बहुत नजदीक आपके गांव से होके गुजरा, बट एक्सीडेंट होते रहते, क्या उन मरीजों का भी सेवाएं मिलेगी? इन एम्बुलेंस को मिलेगी, कोई भी हो या इसमें कोई जाति पाति या कोई इसमें कोई ये कोई भाई एक्सीडेंट जिसको भी जरूरत है जिसके लिए कोई नंबर जारी किया गया है इसके लिए जी? मेरा नंबर हर आदमी के पास है, मेरे नंबर पे खुद फोन करो, मेरे कोई क्लियर हो फोन नहीं उठाते, रविंदर खुद फोन उठाता है और रविंदर खुद अपना फोन। इन्होंने आज ही 2024 का एमएलए मेरे को घोषित कर दिया और ये हमें विश्वास होगा कि जनता इतनी बाप समान है, मेरी माता समान है, मेरी बहनें हैं जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे आए, मैं सब मौजूदा विधायक धर्म सिंह चोकर है, कितने काम से संतुष्ट है आप उसके? देखो मुझे मतलब नहीं, मुझे ये नहीं पता क्यों, क्योंकि हल्का आपका लगता है, आपका प्रतिनिधि रहे 5 साल जब हम एमएलए गए थे, आज तक तो हमारा संभाल हल्का खून के आंसू बह रहा है, उससे भी पत्थर आद हो चुके हैं संभाल के, अगर आप किसी गली में जाओ किसी में जाओ आज कोई भी काम नहीं, जो पैसे मुख्यमंत्री जी 84 घंटे के अंदर लेके गए थे आज वही पैसे लग रहे हैं, पंचायतों में भी कोई नया पैसा एक नहीं आया, और कहीं भी कोई विकास एक कोई विकास गंवा दे तो मेरे को बता देना संभालका में आज क्या लोगों के मन में है, लोगों ने ठान ली है, आज मुझे इतनी खुशी है कि आज लोगों ने यह बता दिया कि हमारा विधायक अगला रविंदर धर्म सिंह छोकर ने भी चुनाव जीतने के लिए आगमी तैयारी की है, 2 बसें उसने भी हरिद्वार के लिए रवाना की है। मुझे नहीं पता की है ना की है, किसी के बारे में कौन क्या कर रहा है, हमने सिर्फ एक ज्ञान है कि रविंदर मछरौली दलाल खड़े हुए जगह जगह या तो कोई ऐसा है ही नहीं, अब तो उम्मीदवार के ऊपर ही हमारा यहाँ खेल चलता है, तो जैसे उम्मीदवार है उम्मीदवार के हिसाब से, अब जय रविंद्र भाई है इनकी अपनी छवि है, इन्हीं की छवि के हिसाब से लोग इनके साथ हैं, 36 बिरादरी इनके साथ है, ये तो एक छोटा हवन था जो आपने देखा, जो आज हुए ये तो बगैर बुलाए एक हवन था भाई, एक भाई लोगों में उसके लिए था शांति के लिए एक हवन करा था भाई, आज नई शुरुआत कर रहे हैं उसी में इतना रोष है, तो ये तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रूप लेगा और 100 के 100% लेकिन घोषणा कर दी है और अपनी ताल इन्होंने ठोक दी है, पीछे भाई साहब विधायक थे तब भी विधायक जी ने हल्के में बहुत विकास कराया है, कोई पार्टीबाजी नहीं कराई, मैं भाई साहब के टाइम में सरपंच था समलका से, सरपंच एसोसिएशन प्रधान था, जितने विकास भाई साहब के टाइम पर हुए हैं शायद ही किसी के टाइम पर इतने विकास हुए होंगे, मैंने तो अपने पता है, भाई साहब के जाने के बाद हम 2 साल सरपंच रहे, मेरी तो पंचायत में इनके अलावा एक रुपये ग्रांट नहीं आई, ना कोई काम होया, जो अपने विधायक जी हैं धर्म सिंह जी ये तो झूठ ही पे झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं, जितने विकास कर भाई साहब ने जो ग्रांट करवा रखी थी उन्हीं का पैसा लग रहा है अब तक, मेरे हिसाब में तो कोई ग्रांट आई भी नहीं है, और सबसे बढ़िया बात तो ये रही है भाई साहब के टाइम में कोई भी पार्टीबाजी नहीं हुई है, सुख शांति रही है पूरे व्यापारियों में भी और सरपंचा में भी, मतलब हर एक वर्ग खुश था, गरीब आदमी भी सारे, पीछे भी भाई साहब बीजेपी का क्या